हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको स्केर्विक लोशन के बारे में, परमेथिन लोशन के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल आता है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, इसका यूज करने का तरीका क्या है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सही और पूरी जानकारी इस लोशन के बारे में मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किन किन बीमारियों में और किन किन समस्याओं में ये आपको मदद करता है। तो देखिए, अगर आपको खारिज की दिक्कत है, इसके भी की बीमारी है, अगर आपके पूरे शरीर पे लाल लाल चत्थे हो रहे हैं, शरीर में लाल हो रहा है, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, उनमें से पीप वगैरह निकलती है, या फिर पूरे शरीर में ईचिंग हो रही है, खुजाल चल रही है, ऐसी समस्या आपको हो रही है पूरे शरीर पर, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है, जो आसानी से आपको हर समस्या जो है ठीक कर देगा। अब मेन बात आती है इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो इस लोशन को, स्केविक लोशन जो है, इसको आपको गर्दन से पूरे शरीर पे इस्तेमाल करना होता है। रात को पूरी रात लगा के आपको सोना होता है और सुबह उठकर आपको नहा लेना होता है, अपनी बॉडी को पूरा अच्छे तरीके से साफ कर लेना होता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इसकी एमआरपी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है। तो देखिए, इसकी एमआरपी की बात कर लेते हैं, तो इस पे 58 रुपीज इस पे एमआरपी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से 50 रुपीज का मिल जाएगा। और इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो लीफोर्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, अब बात आ जाती है साइड इफेक्ट की। तो स्केविक लोशन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको धूप वगैरह में लगा के चले जाते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पूरी स्किन लाल पड़ सकती है, पूरी स्किन पे दाने उठ सकते हैं, या फिर जो भी इन्फेक्शन आपको हो रहा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे समस्या आने पर आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर जरूर इस समस्या का को जरूर दिखाएं। और मैं आपको एक चीज़ और सावधानी बता देता हूँ कि इस क्रीम का इस्तेमाल आप छोटे बच्चों पे बिल्कुल भी मत करिएगा, जो कि गलती से मुंह वगैरह में अगर ले लेते हैं तो उनको और ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली, कोई मदद मिली है, तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।